आज हम बात करेंगे अक्षय कुमार की बायोग्राफी और फैमिली के बारे में और उनकी कुछ आने वाली फिल्मों के बारे में। अक्षय बॉलीवुड के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं। अक्षय कुमार ने आज तक 125 से अधिक फिल्मों में काम किया है। अक्षय कुमार का जन्म 9 सितंबर 1967 को दिल्ली में हुआ। इनका असली नाम राजीव भाटिया है। इनके पिता का नाम हरिओम भाटिया है और इनकी माता का नाम अरुणा भाटिया है और इनकी बहन का नाम अलका भाटिया है। वह इनकी पत्नी का नाम ट्विंकल खन्ना है, जो राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की बेटी है। अक्षय कुमार के दो बच्चे हैं, बेटे का नाम आर कुमार और बेटी का नाम नितारा है। अक्षय की हाइट 5 फीट 11 इंच है। अक्षय कुमार एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे। अक्षय कुमार के पिता इंडियन आर्मी में थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। अक्षय 12वीं क्लास में फेल हुए। दूसरी बार उन्होंने 12वीं में फर्स्ट डिविजन के साथ पास किया और इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उनका मन खेलकूद और मार्शल आर्ट्स में ज्यादा लगता था तो उन्होंने वही किया। अक्षय कुमार मार्शल आर्ट्स में 5th डिग्री ब्लैक बेल्ट है। मार्शल आर्ट सीखने के लिए अक्षय थाईलैंड पहुंच गए। यहां उन्होंने मार्शल आर्ट की थाई स्टाइल मुलाई थाई सीखी। अक्षय कुमार की फैमिली के पास बस इतना पैसा था कि उनके थाईलैंड जाने का टिकट कर सके। वहां पहुंचने के बाद खर्चे का जुगाड़ अक्षय कुमार ने खुद ही किया। अक्षय थाईलैंड में मेट्रो गेस्ट हाउस नाम के रेस्टोरेंट में वेटर और पार्ट टाइम शेफ बन गए। इस काम के उन्हें 1500 रुपए मिलते थे। अक्षय खुद भी कहते हैं कि बैंकॉक में बीते ये दिन उनके जीवन के सबसे संघर्ष भरे दिन थे। बॉलीवुड में आने से पहले अक्षय कुमार ने ढेरों नौकरियां और छोटे मोटे बिजनेस किए। अक्षय दिल्ली से कुंदन ज्वेलरी खरीदकर मुंबई जाकर बेचा करते थे और लौटते समय मुंबई के फैशन स्ट्रीट से कपड़े खरीदकर दिल्ली लाकर बेचा करते थे। कुछ दिन अक्षय ने अपनी छोटी सी एक मार्शल आर्ट एकेडमी भी चलाई। इस एकेडमी के प्रचार के लिए वो खुद पॉम्पलेट मारते थे। इस एकेडमी से अक्षय कुमार केवल 3000 रुपए प्रति महीना कमा लेते थे। एक बार अक्षय कुमार को एक मॉडलिंग असाइनमेंट मिला। इससे उन्हें जो पैसा मिला वो कराटे एकेडमी से मिलने वाली महीने भर की कमाई से ज्यादा था। अक्षय ने गंभीरता से सोचा और मॉडलिंग को अपना प्रोफेशन बना दिया। इसके बाद अक्षय ने कई मॉडलिंग असाइनमेंट किए। अक्षय अपना फोटो पोर्टफोलियो बनवाना चाहते थे लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे। पैसे का जुगाड़ करने के लिए वो नामी फोटोग्राफर जयेश सेठ के असिस्टेंट बन गए। इस जॉब से जुड़कर उन्होंने पहली बार ग्लैमर वर्ल्ड को करीब से देखा। बहुत संघर्ष के बाद अक्षय को 1987 में महेश भट्ट की फिल्म आज में एक छोटा सा रोल मिला। यह रोल एक कराटे टीचर का था। अक्षय कुमार की पहली फिल्म सौगंध थी जो कि 1991 में आई थी। इसमें अक्षय को मेन हीरो का रोल मिला। अपनी मेहनत से अक्षय ने बॉलीवुड की हर कैटेगरी की फिल्म में सफलता हासिल की। अक्षय लगातार नई तरह के रोल करते गए, चाहे एक्शन, थ्रिलर, कॉमेडी हो या इमोशनल। अक्षय कुमार की वर्तमान कुल संपत्ति 2700 करोड़ की है। इसमें उनकी प्रोडक्शन कंपनी हरिओम एंटरटेनमेंट कंपनी की आय शामिल नहीं है। पिछले कई सालों से वो बॉलीवुड में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं। अक्षय कुमार जुहू के फ्रंट बीच बंगले में रहते हैं। इसके अलावा उनके पास मॉरिशस में भी एक शानदार घर है, कनाडा में भी एक घर है और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के तौर पर अंधेरी में 4 और फ्लैट हैं। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार अक्षय कुमार एक फिल्म के लिए 60 से 80 करोड़ रुपए लेते हैं। साल 2016 में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में वो पहले ऐसे सुपरस्टार बने जिनकी फिल्मों ने 3000 करोड़ का कारोबार किया। अक्षय कुमार आज बॉलीवुड के सफलतम एक्टर प्रोड्यूसर में से एक बन गए हैं। अक्षय कुमार की मूवी जिनमें वो काम करते हैं या मूवी प्रोड्यूस करते हैं बॉलीवुड के सालाना बिजनेस में करीब 30% से ज्यादा का योगदान देती है। जानकारी के अनुसार अक्षय कुमार के पास 8 शानदार लग्जरी कारें हैं और 4 सुपर बाइक हैं। अक्षय कुमार के पास कौन कौन सी लग्जरी कार्स और कौन कौन सी सुपर बाइक्स हैं, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट्स बनाया है जिसे आप देख सकते हैं। अक्षय 2 प्रोडक्शन हाउस हरिओम एंटरटेनमेंट और ग्रेजिंग गॉड पिक्चर्स के मालिक हैं। इन प्रोडक्शन हाउस से निकली 2 फिल्में OMG और 72 माइल्स एक परवाज ने नेशनल अवार्ड जीते हैं। हर साल अक्षय कुमार पूरी तरह खुद के पैसों से एक जूडो टूर्नामेंट कराते हैं जिससे कई उभरते हुए मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी भाग लेते हैं। इस टूर्नामेंट के लिए विनर खिलाड़ियों को जापान एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे फिट एक्टर हैं, ये बात खुद सलमान खान ने कही, जिनको कई लोग बहुत फिट समझते हैं। बिना किसी प्लास्टिक सर्जरी बोटॉक्स इंजेक्शन के आज 54 साल की उम्र में भी चुस्त दुरुस्त हैं। अपनी फिटनेस के लिए एक्टिव अक्षय कुमार रात को 10 बजे तक सो जाते हैं और सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं। रात का खाना अक्षय कुमार 8 बजे से पहले ही खा लेते हैं, ये उनका डेली का रूटीन है। अक्षय इस बात पर जोर देते हैं कि हर किसी को 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा अपना फिटनेस मेंटेन करने के लिए जरूर देना चाहिए। अक्षय कुमार कई समाजसेवी कार्यों में योगदान करते हैं। उनका एक कैंसर हॉस्पिटल भी है। कितने ही बार किसानों, सैनिकों, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए वो आवश्यक धनराशि भी देते हैं। कुछ वर्षों पहले अक्षय ने औरतों के लिए एक सेल्फ डिफेंस एकेडमी खोली जिससे अब तक करीब 4000 महिलाएं प्रशिक्षण ले चुकी हैं और हाँ, यहाँ कोई फीस भी नहीं ली जाती है। अक्षय कुमार की आने वाली फिल्में सेल्फी, OMG 2, कैप्सूल, गिल, सरुराई पोटरू। 2009 में अक्षय कुमार को पद्मश्री अवार्ड मिला था। 2000
2017 में अक्षय कुमार को रुस्तम मूवी के लिए शानदार एक्टिंग के लिए नेशनल अवार्ड मिल चुका है। साल 2012 में अक्षय कुमार को प्रसिद्ध दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। एक समय था जब लोगों ने समझा कि अक्षय का फिल्मी करियर खत्म हो चुका है, लेकिन अक्षय ने शानदार तरीके से वापसी की और बॉलीवुड में अपना सिक्का जमा लिया। आपको अक्षय कुमार की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है नीचे कमेंट करें। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।